Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. Our topic is arithmetic progression. Okay, NCERT class 10th का unit number 5 है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है what is arithmetic progression. तो अगर इसकी हम definition देखेंगे तो देखें definition क्या होगी इसकी, मैं बोल देता हूं आपके लिए. An arithmetic progression is a list of a number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Okay, तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है a, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा या नेक्स्ट टर्म होगी उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे हम, जैसे कि हम इसमें d ऐड कर देते हैं तो a प्लस डी हो गया. अब इस वाली टर्म में भी d ऐड कर देते हैं तो ये a प्लस 2d हो जाएगा आपका. ठीक है, और इसी तरह से a प्लस 3d एंड सो ऑन टिल n टर्म. ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या जाएगी, फर्स्ट टर्म आप इसको क्या कहते हैं, a कहते हैं. ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, में एक साथ वाली दो टर्म में से माइनस कर दीजिए. तो देखिए a प्लस डी माइनस a, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस d, ऐसे कैंसिल हो गया ना, तो d आ गया आपके पास, तो कॉमन डिफरेंस d आ गया. तो इसका मतलब है हम फर्स्ट टर्म में अगर d ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आती है, सेकंड टर्म में d ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म में d ऐड करेंगे तो थर्ड फोर्थ टर्म आ जाएगी. ठीक है, तो ये होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसके अंदर आपका जो d होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है. ओके, तो इनमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री. तो यहां पे आप क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री. तो इसके लिए आप आंसर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा देखिए, आप सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर कहां से है जो थ्री से डिविजिबल होती है, वो फर्स्ट टर्म होती है आपकी 12. 12 के बाद आपके अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है. ठीक है, और यहाँ पे फिर 18 आ जाएगा और सो ऑन कब तक चलता रहेगा, जब तक टू डिजिट नंबर खत्म नहीं हो जाते. अब टू डिजिट में जो लास्ट डिवाइड होता है 3 से वो होता है 99, तो हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो 99 हो जाएगी. अब आप देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं, ए क्या है हमारी 12, कॉमन डिफरेंस डी, तो डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन 15 माइनस 12. ठीक है, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 3 क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 है. और यहाँ पे आपको एक नई चीज दे रखी है जिसका नाम है an. an क्या होती है, लास्ट टर्म, nth टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे 99 an दे रखा है आपको. अब आप देखिए an का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. ठीक है, अब आप देखिए an की जगह हम रख देंगे 99, a की जगह रख देंगे 12, n माइनस 1 क्योंकि हमको n फाइंड करना है, और d की जगह रखेंगे 3. तो जाएगा 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3. सोल्व करते हैं इसको आगे हम, तो 99 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9 प्लस 3n. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगी, 99 माइनस 9 इक्वल्स टू 3n, तो यहाँ जाएगा 3n इक्वल्स टू 90 एंड n इक्वल्स टू 90 बाय 3, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 30. ठीक है, तो ये आंसर आ गया है आपका 30. तो नंबर ऑफ टर्म्स, टू डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे जो 3 से डिविजिबल है, वो है 30. ठीक है, n इक्वल्स टू 30. ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन है यहाँ पे l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a. तो आपको a फाइंड करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे हम. ठीक है, जो हम गिवन है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, l इक्वल्स टू 28, s गिवन है आपको, सम दे रखा है 144, टर्म्स का दे रखा है, टोटल टर्म्स कितनी है 9, आपको a फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से, आप सबसे पहले s का फॉर्मूला देखिए जिसे आप sn कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n बाय 2 a प्लस l. ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम n, यहाँ पे a फाइंड करना है हमारे को, तो s कितना है 144, n यहाँ पे 9 है, 9 बाय 2 a, a की जगह पे आपको फाइंड करना है, और l
जो है 28, ये हो जाएगा आपका 288, ये हो जाएगा 9, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9A प्लस 28 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 89 जो 72, ठीक है, और 92 जो 18, 252 हो गया, ठीक है। तो 9A इक्वल्स टू क्या जाएगा, 9A इक्वल्स टू आ जाएगा 288 माइनस 252, ठीक है। तो 9A इक्वल्स टू कितना रहा आपका 36, ठीक है, 9A कितना रहा आपका 36, और A इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका 36/9, तो कितना आ गया आपका 4, तो A इक्वल्स टू आ गया आपके पास 4, ओके। तो आंसर कितना आ गया हमारा, A इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट टर्म आ गई वो कितनी आ गई, 4, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई विल बी योर टीचर फॉर दिस लेक्चर। आवर टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। एनसीईआरटी क्लास 10th का यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो देखें डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मैं बोल देता हूं आपके लिए। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रिसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है ए, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा या नेक्स्ट टर्म होगी उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे हम, जैसे कि हम इसमें डी ऐड कर देते हैं तो ए प्लस डी हो गया। अब इस वाली टर्म में भी डी ऐड कर देते हैं तो ये ए प्लस टू डी हो जाएगा आपका, ठीक है, और इसी तरह से ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन टिल एंड टर्म, ठीक है। तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आप इसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, में एक साथ वाली दो टर्म में से माइनस कर दीजिए, तो देखिए ए प्लस डी माइनस ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी, ऐसे कैंसिल हो गया ना, तो डी आ गया आपके पास, तो कॉमन डिफरेंस डी आ गया। तो इसका मतलब है हम फर्स्ट टर्म में अगर डी एड करेंगे तो सेकेंड टर्म आती है, सेकेंड टर्म में डी एड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म में डी एड करेंगे तो थर्ड फोर्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर आपका जो डी होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, ओके। तो इनमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री। तो यहां पे आप क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री। तो इसके लिए आप आंसर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा देखिए, आप सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर कहां से है जो थ्री से डिविजिबल होती है, वो फर्स्ट टर्म होती है आपकी 12। 12 के बाद आपके जो अगर हम इसमें थ्री ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा क्योंकि थ्री से डिविजिबल है, ठीक है, और यहां पे फिर 18 आ जाएगा, और सो ऑन कब तक चलता रहेगा, जब तक टू डिजिट नंबर खत्म नहीं हो जाते। अब टू डिजिट में जो लास्ट डिवाइड होता है थ्री से वो होता है 99, तो हमारा जो लास्ट टर्म होगी वो 99 हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पे हम फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं, ए, ए क्या है हमारी 12, कॉमन डिफरेंस डी, तो डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 15 माइनस 12, ठीक है, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 3 क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 है। और यहाँ पे आपको एक नई चीज दे रखी है जिसका नाम है an, an क्या होती है, लास्ट टर्म, nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 99 an दे रखा है आपको। अब आप देखिए an का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। अब आप देखिए an की जगह हम रख देंगे 99, ए की जगह रख देंगे 12, एन माइनस 1 क्योंकि हमको एन फाइंड करना है, और डी की जगह रखेंगे 3, तो जाएगा 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3। सोल्व करते हैं इसको आगे हम, तो 99 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9 प्लस 3n, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगी, 99 माइनस 9 इक्वल्स टू 3n, तो यहाँ जाएगा 3n इक्वल्स टू 90, एंड एन इक्वल्स टू 90/3 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है आपका 30। तो नंबर ऑफ टर्म्स, टू डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे जो थ्री से डिविजिबल है, वो है 30, ठीक है, एन इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा,
है यहाँ पे L इक्वल्स टू 28, S इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A. तो आपको A फाइंड करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे हम. ठीक है, जो हम गिवन है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे. L इक्वल्स टू 28, S गिवन है आपको, सम दे रखा है 144, टर्म्स का दे रखा है टोटल टर्म्स कितनी है 9, आपको A फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से, आप सबसे पहले S का फॉर्मूला देखिए जिसे आप SN कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बाय टू ए प्लस एल. ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम एन, यहाँ पे ए फाइंड करना है हमारे को, तो एस कितना है 144, एन यहाँ पे 9 है, 9 बाय टू ए, ए की जगह पे आपको फाइंड करना है, और एल जो है 28, ये हो जाएगा आपका 288, ये हो जाएगा 9, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 ए प्लस 28 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, 89 जो 72. ठीक है, और 9 टू जो 18, 252 हो गया. ठीक है, तो 9 ए इक्वल्स टू क्या जाएगा, 9 ए इक्वल्स टू आ जाएगा 288 माइनस 252. ठीक है, तो 9 ए इक्वल्स टू कितना रहा आपका 36. ठीक है, 9 ए कितना रहा आपका 36, और ए इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका 36/9, तो कितना आ गया आपका 4. ए इक्वल्स टू आ गया आपके पास 4. ओके, तो आंसर कितना आ गया हमारा, ए इक्वल्स टू 4. तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट टर्म आ गई वो कितनी आ गई, 4. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.